इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजमेर के रेलवे स्टेशन पर। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के चलते हाई अलर्ट जारी हो रखा है, और हाई अलर्ट के लिए क्या तैयारियाँ इस वक्त अजमेर के अंदर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्सरे मशीन है जो अजमेर के इस स्मार्ट रेलवे स्टेशन पर है, जिसके लिए लगातार रेलवे की टीम निरीक्षण करती आई है, और तब जब भी निरीक्षण करने के लिए टीम यहाँ पर आती है तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उचित मिलती है। लेकिन इस वक्त एक्सरे मशीन जो यहाँ पर है वो बंद पड़ी है, और हमें जो जानकारी मिली है कि पिछले 7 दिन से ये एक्सरे मशीन बंद पड़ी हुई है। एक्सरे मशीन 7 दिन से बंद होने की तस्वीर ये आपके सामने है कि इस मशीन के ऊपर जो धूल आपको दिखाई दे रही है वो आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक सुरक्षा में लगी हुई जो सुरक्षाकर्मी है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैडम, ये जो एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन जो है मैम, एक्सरे मशीन वो कब से बंद है? परमिशन लेके आए हो क्या? मैम, मेरे पास, मैं मंजूरी लेके आया हूँ रेलवे के पीआरओ से। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मैम, हाँ आप मैम बुला लीजिए अधिकारी को, जो भी आपके अधिकारी हैं। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर एक्सरे मशीन कितने दिन से बंद? जो सुरक्षाकर्मी, महिला सुरक्षाकर्मी इस वक्त तैनात हैं वो ये कह रही हैं कि क्या आपके पास मंजूरी है इस तस्वीर को दिखाने की। मुझे लगता है कि अपने अधिकारियों को उनको बुलाना चाहिए, और जो अधिकार हैं वो जानने पड़ेंगे। लेकिन तस्वीर देखिए आप, उन्होंने किसी प्रकार का जवाब हमें नहीं दिया है। पिछले 7 दिन से मशीन बंद पड़ी हुई है। सुरक्षा के इंतज़ामों की तस्वीर कल हमने आपको एक दिखाई थी कि ट्रेन के अंदर किस तरीके से GRP की जो टीम है वो सुरक्षा पड़ताल कर रही है, सुरक्षा की व्यवस्थाएं उन्होंने बढ़ा दी थी, क्योंकि 15 अगस्त के चलते पूरे देश के स्टेशनों के ऊपर हाई अलर्ट घोषित कर रखा है। लेकिन उस हाई अलर्ट की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से अजमेर के अंदर व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। और ये तस्वीर केवल आज की तस्वीर नहीं है, ये मशीन हर महीने 20 दिन चलती है, 25 दिन चलती है, और उसमें से बाकी के 7 दिन बंद पड़ी रहती है। इसलिए रेल मंत्रालय के लिए और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, देखना होगा कि इस तस्वीर को दिखाने के बाद ये एक्सरे मशीन कब शुरू होती है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।